चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नवधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति 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 हरि ओम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 सभी को नमस्कार। आज का पंचांग आज कृष्ण पक्ष पंचमी कृष्ण पक्ष पंचमी आज मृगशीर्ष नक्षत्र
आज शनिवासरम स्थिरवासरम योग परिग्रह परिघ परिघ योग तैतिलक कर्ण सौर गणना में तुला मास और दिनांक दो। आज का दिन सभी के लिए अच्छा रहे, शुभ रहे, मंगलमय रहे। बस कल अब तक जो हुआ है सत्व के बारे में, रजस के बारे में और तमस के बारे में, इसी का विस्तार इस पूरे अध्याय में है। आज का जो श्लोक है सत्वम सुखे संजयति, सत्वम सुखे संजयति रजह कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वम सुखे संजयति, सत्वम सुखे संजयति रजह कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। जहां भी सत्व है, जहां भी अच्छा चिंतन है, जहां भी कोई सत्कार्य है, वहां समझ लेना कि सत्व प्रधान है। कोई अच्छा चिंतन, कोई अच्छे प्रयत्न, शुभ हेतु के साथ, अच्छे हेतु के साथ कोई प्रयत्न, शुभ चिंतन, ज्ञान के विषय में ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान बटा जाए, बांटा जाए, ऐसे इस दिशा में कोई भी प्रयत्न कहीं चले तो वहां सत्व प्रधान है, ऐसा हम समझ सकते हैं। सत्व प्रकट होता है इन बातों से। आवेश के साथ, तेज के साथ, वेग के साथ, उग्रता के साथ, शोर शराबा के साथ इस प्रकार कोई कार्य कहीं चल रहा तो समझ लेना कि वहां रजस प्रधान है, रजोगुण प्रधान है। और कहीं अज्ञान मंद कंफ्यूजन मोह इस प्रकार के कोई ऐसा वातावरण यदि है तो तमस प्रधान है।
राजनीतिक कक्ष के पक्ष के कार्यकर्ता यदि कोई बस को जला देते हैं, सरकारी बस को या सरकारी कार्यालय पत्थर फेंक कर नाश पहुंचाते हैं, तो वहां रजस प्रधान है। रजस के प्रेरणा के कारण, रजस के उद्वेग के कारण यह कार्य हुआ। और सत्व इस विषय को पढ़कर चिंतित होता, दुखी होता, इसका विकल्प क्या है, यह कैसा रोका जाए, ऐसे चिंतन करता, प्रयत्न करेगा नहीं करेगा, यह उस पर उसमें रजस कितनी छाई है इस पर है। यह सत्व इस प्रकार उस घटना से सत्व की प्रतिक्रिया। तमस हम कहते हैं, भैंस के ऊपर बरसात हुआ, भैंस के ऊपर बरसात यदि होता उससे भैंस पर कोई प्रभाव नहीं, वह तो बस खड़ा है। बरसात हुआ कि हवा बहा, भैंस पर कोई प्रभाव नहीं है। वैसे यह कार्यक्रम होता है इस प्रकार, कुछ समाज में हो जाता है, तमस को उसकी कोई चिंता नहीं, वह अपने मस्त अपने अपनी दुनिया में डूबा रहता है। न्यूज़पेपर पढ़ने की सात्विक प्रधान इनकी रुचि उन पत्रिकाओं में उनके रुचि के अनुसार कैसे समाचार आते हैं, कैसे लेख आते हैं। रजो प्रधान उनकी रुचि उसके अनुसार उसमें कैसे लेख आते हैं, ऐसे पत्रिका में उनमें आने वाले लेख में उस पत्रिका को पढ़ने वाले वाचकों में ऐसा स्पष्ट बंटवारा रहता है। तमस प्रधान व्यक्ति जिस प्रकार के पत्रिकाओं को देखता है, पढ़ता है, उसमें कैसे लेख आते हैं, यहाँ ऐसे कुछ दैनिक पत्रिका है जो मोटे मोटे अक्षर में उसके शीर्षक होते हैं, उससे थोड़े कम छोटे ऐसे अगला शीर्षक, उससे कम ऐसा तीसरा शीर्षक, चौथा शीर्षक, और जो लेख लिखा रहता समाचार वह बहुत कम बहुत छोटा, तो अधिकतर कोई पढ़ता ही नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए बीड़ी फूंकते हुए केवल शीर्षक पढ़ लिया तो हो गया। तो उस वाचकों के हिसाब से उस प्रकार की पत्रिकाएं निकलती हैं। कहीं ऐसे पत्रिकाएं भड़कते हुए कोई समाचार, फिर कहीं पुलिस रिपोर्टर, फिर कहीं जासूसी, अन्याय के विरोध में कैसे प्रतिक्रियाएं, इस प्रकार पत्रिका, और उसी हिसाब से उसके वाचक भी उसी वर्ग के, जिनको इस प्रकार रोमांचक लेखों की समाचारों की उनको भूख है। सात्विकता के पत्रिका में राष्ट्र के समाचार, राष्ट्र के भविष्य की समाचार, विदेश नीति,
अर्थ नीति, इस प्रकार थोड़े गहन विषय जो साधारणतः पढ़े जाते नहीं, ऐसे विषय तो उस पत्रिका के वाचक उस प्रवृत्ति के, यहाँ ऐसे कहते हैं, हिंदू पत्रिका न्यूज़पेपर को सुबह उसका दर्शन किए बिना लोगों का जीवन प्रारंभ होता नहीं, विशेष रूप से दक्षिण चेन्नई, मैलापुर, मामबलम जैसे बस्तियों में। वह सुबह उठकर हिंदू पढ़ने की, और हिंदू में हमने ऐसा प्रयोग किया, हिंदू जो इंग्लिश जानते हैं ऐसे अन्य अन्य लोगों को देखकर, तो वो किस किस समाचार को पढ़ते हैं, कहाँ देखते हैं, इसके ओर ध्यान दिया। बस आधा मिनट देखा और फेंक दिया। गहन विषय, गहन लेख, कोई राष्ट्र की कल्पना, अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के बारे में लेख, यूनाइटेड नेशंस के कोई प्रस्ताव, साधारणतः तमस और रजस समाज में प्रधान रहते हैं, तो ये सब बातें उनको रुचता नहीं, जचता नहीं। ऐसे ये तीन गुण प्रत्येक प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होते हैं। सत्वम सुखे संजयति, जहां सुख के जिज्ञासा, सुख की इच्छा, सुख प्राप्ति की दिशा, शांति, सुख, चैन, ऐसी चेष्टा, तो समझ लें कि वहां सत्व प्रधान है। और जहां हलचल है, जहां कोई प्रयत्न है, कुछ ना कुछ हलचल कार्य, तो रजस वहां प्रधान है। रजह कर्मणि भारत, सत्वम सुखे संजयति, रजह कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्त्युत्तमः प्रमादे संजयत्युत। ज्ञान को ढक कर जहां प्रमाद प्रकट होता है, तो तमस, वहां तमस है ऐसा हम समझते हैं। ज्ञान को ढक कर तमस प्रकट होता है, प्रमाद यानी दुर्लक्ष, ध्यान की कमी। ज्ञानम आवृत्त्यतु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्व प्रधान होता है, उसके साथ रजस और तमस भी रहते हैं, परंतु वह रजस सत्व के सहायक बनकर रहता है। ज्ञान के पिपासा सुख शांति के इच्छा, तो वहां रजस भी इसी दिशा में कार्य करता है।
जिसमें से जिन कार्यों से सुख प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो। यह क्यों, यह कैसे, ऐसे प्रश्न उठता है और उन प्रश्नों को उत्तर ढूंढने के प्रयास उस व्यक्ति के, उस सत्व के साथ जुड़ा हुआ रजस करता है। तो सत्व प्रधान उसी दिशा में वहां का रजस प्रयत्न करता है, वैसे ही तमस सत्व के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी निद्रा, उतना आराम, जिससे सत्व अपने लक्ष्य, अपने जो प्राप्त करना है वह उस दिशा में कार्य करे। तो ऐसा तमस उसके सहायक बनकर रहता है। उसी प्रकार रजस प्रधान है तो वहां सत्व रजस की दिशा में उसके लिए, उसके साथ रहता है। रजस डोमिनेंट है तो सत्व उन्हीं इच्छाओं को पूर्ति करने में उसके अनुसार योजना देती है, उसके अनुसार चिंतन विचार होता है, बुद्धि उस दिशा में काम करती है। उसकी सात्विकता रजस प्रधान व्यक्ति में रजस की पूर्ति के लिए सहायक रहता है। वैसे ही तमस, उसको निद्रा बहुत कम रहती है, बस उतनी ही निद्रा जितनी बिल्कुल न्यूनतम आवश्यक है, बाकी पूर्ण विचार समय उस इच्छा पूर्ति के प्रयत्नों में। इतना दौड़ धूप होता है, दौड़ धूप करता है रजस, तो वहां तमस उसका छोटा भाई बनकर उसका सहायक रहता है। तमस जहां प्रधान होता है तो वहां सत्व भी उसी के सहायक रहता है। अरे पढ़कर क्या करना है, जितने पढ़ लिए हैं वे सब क्या बड़े सुखी थोड़ी है। ऐसे तमस के अनुरूप विचार, ज्ञान यह महासत्व प्रदान करता है। उसी प्रकार रजस भी उसी सत्व के सहायक बनकर, उसके छोटे भाई बनकर। तो इस प्रकार जो प्रधान विश्व में तीनों गुण है, प्रत्येक जीव में तीनों गुण है, परंतु ये तीनों मिश्रित अवस्था में है। ऐसा नहीं कि कोई केवल सात्विक है तो 100% सात्विक है, कोई राजसिक है तो पूर्ण राजसिक है, ऐसा ऐसा होता नहीं। ऐसे तो करोड़ों में एक कोई होता होगा। रजस प्रधान व्यक्ति जितना रजस डोमिनेट करने लगता है उसके हिसाब से उसके जीवन में वह साधता है, उसमें सात्विक अंश, सात्विक अंकुश थोड़ा रहता तो वह हितार्थी बनता है, विश्व के, समाज के हित में कोई साधना करता है। और उसमें यदि तमस उस पर अंकुश लगाता तो वह नाशकारी साधना करता है। हिटलर यह जर्मनी को 15 वर्षों में, जर्मनी के मानसिकता में परिवर्तन लाया, जर्मनी को व्यवस्थित करने में, कोई कार्य को एकदम परफेक्ट करने की इच्छा में, ऐसे
बहुत कुछ उसके उसके 15 वर्ष के शासन में, उसके नेतृत्व में ये सब हुआ, परंतु उसमें जो विकृति थी और उसमें जो रजस का जो छाया, रजस की, इतना डोमिनेंट था कि उसने उसकी तृष्णा अन्य भूमियों को अपने कब्जे में लाना, या फिर वो यहूदियों को क्रूरता से मारना, यह सब रजस के खेल हैं। रजस उसमें हम कह सकते हैं बस साधारण मनुष्य जैसे 60%, 50% रजस और 25% सत्व, 25% तमस, ऐसा कोई साधारण मिश्रण नहीं था। वह लगभग 100% रजस, 15-20 वर्षों में उसने इतना कार्य किया, इतना सा, इतने उसके अचीवमेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, यह रजस के लक्षण है। हम रामदेव बाबा से मिलकर आए, ऐसे गपशप चल रहा था तो उन्होंने, उनके जो सचिव हैं, उन्होंने पूछा क्या सोचते हो आप इस कार्य के बारे में। तो मैंने कहा कि एक सन्यासी, मैं कई सन्यासियों से मिला हूँ, उनसे बात होती है तो हमको, हम कहते हैं कि भाई आप इंग्लिश मीडियम में कोई स्कूल चला कर क्या लाभ, कोई इंग्लिश मीडियम में इंजीनियरिंग कॉलेज चलाकर क्या लाभ, पैसा तो आपको मिलेगा परंतु आप, आपके पास, आपके संगत सत्संग में इतने वर्ष बच्चे रहने के बाद